यार ये सुबह 5 बजे मैं इतना खुश हुआ कि मेरे घर वाले मुझे गालियां देने लगे। इतना क्या पागल हुआ है, ऐसा क्या देख लिया? अब मैं उनको कैसे बताऊं कि क्या देख लिया? जो भी देखा बहुत बवाल चीज देखी, डॉक्टर स्ट्रेंज। कंट्रोल कंट्रोल यार नहीं हो रहा कंट्रोल। फटाफट शुरू करते हैं, मैं इंट्रो लाता हूँ, आप देखो। हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो, माय नेम इज जिमी और आप देख रहे हैं सुपर हिप यूट्यूब चैनल। तो अरे शुरू होता है एक सपने के साथ कि एक रियलिटी ब्रेक हो रही है और हमारे लिए एक सवाल के साथ, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस कहीं एक सपना तो नहीं रह जाएगा? पर फिर याद आता है मार्वल को अपनी जान प्यारी है, वो इतना चूतिया मजाक नहीं कर सकता। हाँ तो वो शुरू होता है एक सेंटम के सीन से। डॉक्टर स्ट्रेंज सेंटम को खड़े खड़े देख रहा है, वैसा ही जैसे वो व्हाट इफ वाले सीन में देखा था वैसा ही। और ये यहाँ पर इतने सारे कंकाल है, लगता है ये कोई और फिर अगले ही शॉट में हमें सेंटम का दरवाजा खुलते हुए दिखता है और एक अनलिमिटेड सीढ़ियाँ और एक समुद्र भी देखने को मिलता है, जैसा कि हमने फर्स्ट ट्रेलर में भी देखा था। पर यार अभी ही इन सबको साइड में रखते हैं और बात करते हैं लीक्स की। तो यार लीक्स की माने तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने नो वे होम में जो भी बसूरी की है उसकी वजह से उनके ऊपर काफी ज्यादा मुसीबत आन पड़ी है। तो इसी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा से मिलते हैं और उससे बात करते हैं और वांडा उसको साफ मना कर देती है। तो अब डॉक्टर स्ट्रेंज क्या करेगा? जी हाँ, और एक मंत्र का इस्तेमाल, जो कि वो भी गलत होगा। फिर वो किसी को ढूंढेगा जो अलग अलग यूनिवर्स में ट्रेवल कर सकता है, सॉरी कर सकती है, अमेरिका चेवस। और डॉक्टर स्ट्रेंज अलग अलग यूनिवर्सेस में जाते हैं और काफी ज्यादा गड़बड़ कर देते हैं। और फिर आता है असली माल जो उन्हें पकड़ लेता है, एलुमिनाटी। तर जिनको नहीं पता उन्हें बता दूं, एलुमिनाटी वैसे है जैसे कि लोकी सीरीज में टीवीए था। जी हाँ बिल्कुल वैसे ही, और ये बहुत पावरफुल है। तो कॉमिक्स में एलुमिनाटी एक संगठन है जो कि एवेंजर्स के अंदर बना था, मतलब सब मेंबर को मिला के नहीं। अब मैं आपको वैसे समझाऊं तो जैसे शील्ड में हाइड्रा नहीं बना था, बिल्कुल वैसे ही। और ये सब मोर्डो की मदद से डॉक्टर स्ट्रेंज पकड़ लेते हैं, क्योंकि मोर्डो भी इन सबसे खिलाफ था जो भी डॉक्टर स्ट्रेंज कर रहे थे। और फिर आते हैं अल्ट्रॉन रोबोट्स। तो यहाँ पर हमारी थ्योरी सही होती है जो कि आई बटन पर आ रही होगी, मैं थोड़ी में बता देता हूँ। तो हमने उसमें बताया था कि टॉम क्रूज वाला आयरन मैन वो होगा जिसका अल्ट्रॉन वाला प्लेन काम कर जाता है, मतलब कि अल्ट्रॉन उससे बगावत नहीं करता। और आपने ट्रेलर में ध्यान दिया होगा कि यहाँ पर 6 सीटें लगी हुई है और ये जिनके लिए है उनके बारे में भी लीक आए हैं, वो लीक भी आपको बता देता हूँ। तो यार पहला तो आप पता कर ही लो कि टॉम क्रूज वाला आयरन मैन होने वाला है। और दूसरा वाला भी आपने नोटिस किया ही होगा कि हमें जो टकला बताया था वो प्रोफेसर एक्स का होने वाला है। और तीसरा मैं आपको ऐसे कॉमिक से बता रहा हूँ जो कि मिस्टर फैंटास्टिक होने वाले हैं। और चौथा मेरे हिसाब से शायद मोर्डो होगा। पांचवा आप ध्यान से सुनिएगा, पांचवा होने वाले हमारी कैप्टन कार्टर। तो आप ऐसे बोलोगे कि अचानक से तुझे कैसे पता चल गया? तो मैं आपको बताता हूँ कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का जो पोस्टर रिलीज हुआ था उसमें एक छोटी सी जगह पर कैप्टन कार्टर शील्ड दिखाई गई, तो उससे मैं आपको बता रहा हूँ शायद, और छठे का कोई आइडिया नहीं है। हाँ तो अब आते हैं, तो डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका चेवस को पकड़ने के बाद, क्योंकि बसोड़ी दोनों ही कर रहे हैं, दोनों ही अलग अलग यूनिवर्स में कूदाबांदी कर रहे थे, तो पकड़ने के बाद वहां पर फाइट होती है वांडा की और कैप्टन अमेरिका की। ये भी हमने उस वीडियो में बताया है कि अलग यूनिवर्स की कैप्टन अमेरिका होगी और शायद वांडा भी इस संगठन की छठी मेंबर हो। कुछ भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते, शायद ये वांडा अलग यूनिवर्स से हो। फिर आपने ट्रेलर पे देखा होगा कमर ताज पर एक हमला हो रहा है जो कि वो बादल जैसा लगा। तो ऐसा भी एक लीक आया है कि वो बादल वाला मॉन्स्टर वही है जो हमें लोकी सीरीज में दिखाया गया था। अब देखो वो भी यूनिवर्स का मामला, ये भी यूनिवर्स का मामला है, कुछ भी हो सकता है। तो आपने ध्यान होगा तो आपको ये सिंह वाला भी दिखा होगा कि मिंद्रा कुछ कर है। तो ये कॉमिक में हमें ऐसे दिखा था कि डॉक्टर स्ट्रेंज का क्लॉक फट जाता है जो कि इसका मास्टर, अब उसका नाम मुझे नहीं पता, पर वो सीता है और तभी से ये डॉक्टर स्ट्रेंज की फाइट में साथ देता है डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ। तो इसका दिखना तो बनता है क्योंकि हमें क्लॉक फटा हुआ भी नजर आया है काफी बार। तो चलिए आज के लिए इतने लिख काफी है और अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।